हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं नीट रूट्स। और आज इस सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कैसे आप किसी भी वेबसाइट की ईमेल्स गैदर कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करेंगे और अपनी फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज करने वाले हैं। सो गाइज, मान लो जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको उनके ईमेल एड्रेस या फिर उनके जो आईपी एड्रेसेस हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनका डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपली जाकर देखेंगे उनके वेबसाइट पर अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। बट अगर उससे भी हमें कुछ नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम एक टूल का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है hunter.io, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट की उनकी जितनी भी जीमेल आईडी वहाँ पर अपलोडेड है, उन सबको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम पर काम आती है। और मान लो कोई भी वेबसाइट आपकी पर्सनल कंटेंट्स को अपने वेबसाइट पर रन कर रही है, या फिर बिना परमिशन आपके जो कंटेंट्स है या फिर पिक्चर्स, वीडियोस, जो कुछ भी है, वो अपने यूज के लिए उसको यूज कर रहा है, तो आप कैसे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए होता कि उनका ईमेल एड्रेस या फिर कोई और कॉन्टैक्ट मिल जाए, तो उससे हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट वो सब निकालने के लिए हमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो उनको नहीं निकाल पाते हैं। तो इस चीज़ को हम आज इस सेशन में सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट का जीमेल आईडी निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फायरफॉक्स पर मूव करते हैं और फिर हम अपने फायरफॉक्स ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे hunter.io, उसके बाद इंटर करते हैं। सो गाइस, ये आ चुका है हमारा वेबसाइट। बट इसको क्या किया है कि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। अगर आप यहाँ पर न्यूली आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिंपली आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। और फिर जैसे कि यहाँ पर हमने ये ईमेल जस्ट फॉर यहाँ के ट्यूटोरियल्स के लिए बनाया था, तो इसीलिए ये अभी न्यूली ईमेल एड्रेस है, इसीलिए ये दिखा रहा है। बट इसमें भी आपको सिंपली इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप यहाँ पर टेम्प मेल या फिर कोई और टेम्प्रोरी मेल की हेल्प लेते हैं तो ये अकाउंट नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना खुद का ईमेल बनाना पड़ेगा। आप फेक ईमेल भी बना सकते हैं, उसकी मदद से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको नेम डालना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है। हम यहाँ पर डालते हैं नीट रूट्स, और फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है, जो कि आप 14 कैरेक्टर से ऊपर ही डाल सकते हैं। अगर उससे नीचे हुआ तो ये लॉगिन नहीं होगा या फिर आप अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं। सो गाइज, इस जीमेल से मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी टेकन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके जो जीमेल अकाउंट है वहाँ पर आपको एक मेल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। और वहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद आप फ्री अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप बैक आने के बाद यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। तो हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा जीमेल और पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद इसको इंटर करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास डोमेन नेम है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डालता हूँ tesla.com, उसके बाद हम इसको इंटर करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल एड्रेस आ चुका है elon@tesla.com, इसी तरह से hamkhan@tesla.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है 803 रिजल्ट्स। तो इससे आप देख सकते हैं टेस्ला के जितनी भी उसके वेबसाइट पर जो भी ईमेल एड्रेसेस हैं वो सब हमारे पास आ चुके हैं, तो इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हमने फ्री प्लान चूज किया है, तो आप भी फ्री प्लान ही चूज करें, क्योंकि हम ये सब एजुकेशनल पर्पोज के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो सब स्टूडेंट होते हैं जो कि ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप फ्री प्लान ही चूज करें, जिसके अंदर आपको 25 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, उसके अंदर ही आपको अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है। और फिर मान लो अगर आपका इस जीमेल से जो यूज़ था वो 25 सर्चेस आप कर चुके हैं, उसके बाद भी आप अपना दूसरा अकाउंट बनाकर वहाँ पर फिर से लॉगिन करके अपना नेक्स्ट सर्च कर सकते हैं।
सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 803 रिजल्ट्स है उसकी मदद से आप यहाँ पर सर्च करके उनका जीमेल आईडी निकाल सकते हैं, जिसकी मदद से आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी वेबसाइट पर बग बाउंटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उनके जीमेल पर मालिशियस फाइल या फिर कोई स्पाइंग स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हैं, और मिस्टेक से भी अगर उन्होंने वहाँ पर क्लिक कर दिया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बट ये सब मैक्सिमम ब्लैक हैट हैकर्स ही करते हैं। एज एन एथिकल हैकर आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, और हम अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर ही चलना होता है। हम जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ताकि हम और डीपली उस वेबसाइट के बारे में जान सके और उनके डेवलपर के बारे में भी जान सके। या फिर अगर हम किसी वेबसाइट पर बिना उनके बताए वहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें कोई बग मिल जाता है, और अगर वो लोग बग बाउंटी प्रोग्राम रन नहीं कर रहे हैं, तब भी आप उनके जीमेल अकाउंट से उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे ये बग है, इसको फिक्स कर लीजिए, वरना ब्लैक हैट हैकर्स आपके वेबसाइट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने hunter.io वेबसाइट का यूज करके किसी भी वेबसाइट का कैसे उनका जीमेल अकाउंट्स जो भी वहाँ पर अपलोडेड है निकाल सकते हैं उनके बारे में जाना। और अगले वीडियोस के अंदर हम देखने वाले कैसे आप सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं और उन पर कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप आगे जाके इन्यूमरेशन फेज में उनका यूज कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।